नमस्कार। 15 अगस्त इसलिए कलंक का दिन नहीं क्योंकि उस दिन हमसे हमारा कुछ भूभाग चला गया था। भूभाग तो पहले भी गए परंतु अपने पराक्रम के बल से हमने उन्हें पुनः प्राप्त किया। यह भूभाग हमारा है, हम इसे भूले नहीं। गुलामी में ही सही राष्ट्रवादी जनता उसी भूभाग पर रही। शिवाजी ने अपने कई किले मजबूरी पर छोड़े परंतु उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मैं उन किलों को वापस नहीं पा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 1947 को 15 अगस्त को अगर यही हुआ होता और राजनीतिक मजबूरी के कारण हमने अपना भूभाग गवाया होता तो हमें विशेष दुख नहीं होता, परंतु हमारे हृदय में उस दिन यह परिवर्तन आ गया कि जो भूभाग हमने गवाया है, जिसका विभाजन हुआ है, वो हमारा था ही नहीं और उसे पुनः वापस प्राप्त करने का तो संकल्प ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता और यह एक सेटल्ड फैक्ट बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सर कार्यवाह यादवराव जोशी जी के यह वचन बिल्कुल सत्य है और हर देशवासी को राष्ट्रवादी को झंझोड़ने वाले हैं। 1947 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त की। परतंत्र की रात भी जो बरसों से चली आ रही थी समाप्त हुई, परंतु स्वतंत्र के आनंद के साथ साथ जो विभाजन का मातृभूमि पर हमारे गहरा दुख दे गई वो बहुत दर्ददायक था। 1947 का विभाजन पहला और अंतिम विभाजन नहीं है। भारत की सीमाओं का संकुचन वर्षों से चला हुआ आ रहा है। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में 250 साल से अधिक अकेले संघर्ष करते हुए हिंदू अफगानिस्तान इस्लाम के पेट में समा गया। वहीं अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हिमालय की गोद में बसे नेपाल और भूटान इस्लामीकरण से और मुस्लिम विजय से बचे रहे। वहीं हम बात करें इन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग अपनाया और यही मार्ग जो इन्होंने अपनाया था आज इनकी संस्कृति पर हावी हो गया। श्रीलंका पहले पुर्तगाल के अधीन हुआ, उसके बाद हॉलैंड और अंत में अंग्रेजी शासन ने उस पर राज्य किया और धीरे धीरे उसे भारत से बिल्कुल अलग कर दिया। 1300 वर्षों से अधिक वैचारिक मतभेदों के चलते हुए ये परिणाम निकला कि 1947 का यह विभाजन हुआ। किसी ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर क्या खूब कहा, इस भारत में तो विभाजन का बीज तभी पड़ गया था जब पहली बार किसी हिंदू ने 8वीं शताब्दी पर इस्लाम को कबूला था। और आज अगर हम देश को फिर से एक करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं मनों में दरार कर उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले कारणों को ढूंढना आवश्यक होगा और इसकी आसान काम नहीं है। इसके आगे रोड़ा अटकाने वाली शत्रु शक्तियां, धार्मिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय शत्रु शक्तियां बाधक बनेंगी, परंतु हमें यह संकल्प करना होगा कि हम देश को एक करके रहेंगे। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी खंड भारत का सपना देखते हुए आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करती हूँ कि संकल्प उठाएं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।